मैथ्स आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। कल हमने जो मिसलिनियस पर क्वेश्चन किए थे उसी के आगे जो हमारा मिसलिनियस का जो लास्ट वाला पार्ट रह गया था, ये मिसलिनियस का भी लास्ट वाला पार्ट है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी लास्ट वाला पार्ट है। ये हीरे पर आधारित क्वेश्चन है हमारे, जो हीरे पर क्वेश्चन बनते हैं सामान्यतः वो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, एग्जाम में बहुत बार आते भी हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए इसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सोने की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि एक व्यक्ति ने उसे कितने अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में सोने को तोड़ दिया और 46,200 रुपये का क्या हुआ, उसे नुकसान हुआ। तो सोने की शुरुआती कीमत यानी जो तोड़ने से पहले कीमत थी वो कीमत ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि इसकी जो प्राइज है, प्राइज वो किसके समानुपाती है, इसके वजन के स्क्वायर के समानुपाती है। वजन मान लेते हैं हम डब्लू, इसके स्क्वायर पाती यानी स्क्वायर के समानुपाती है। तो प्राइज जो अपनी प्राइज है ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे तो नियतांक क्या मान लेंगे, के स्क्वायर, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि इसको हम इसके वजन को के कौन से अनुपात में तोड़ देते हैं, इसके वजन को वो तोड़ देता है 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है और टोटल क्या है हमारा 6 है। अब क्या करेंगे, जब इसकी प्राइज मानेंगे अपन, प्राइज जो इसकी प्राइज मान लेते हैं वो के मान लेते हैं, यानी तीनों में 3K, 2K और 1K, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 6K। अब वो कह रहा है इसके वजन के स्क्वायर के समानुपाती है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9K² × 2K² और ये हो जाएगा अपना के स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 36K² हो जाएगा। अब इसे अपन जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे और इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया ये हमारा, यहाँ 4K² होगा, कितना हो गया ये, 14K² हो गया, बराबर में कितना है, 36K². अब वो क्या कह रहा है कि जो पहले यानी पहले क्या था, पहले अपना था वो 36K² था और तोड़ने के बाद कितना बचा, 14K² बचा, तो के से के कट जाएगा। इसमें अंतर कितने का आ रहा है, दोनों में अंतर आ रहा है जो आ रहा है 22 का, और 22 का मान अपन को दिया है उसे, यानी 22 का लॉस हो रहा है, तो 22 का कितने का लॉस हो रहा है वहाँ, 46,200 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 बजे 22 एकम 22 कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 2100 रुपया। हमें निकालना क्या है, हमें टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल वैल्यू किसकी, 36 की, यानी 36 की टोटल वैल्यू निकालना है, तो 36 × 21 इसका कर देंगे अपन क्या, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अपना स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करने पर अपना आ जाएगा 75,600 रुपये। ये क्या आ गया हमारा टोटल, ये टोटल शुरुआती कीमत आ गई, तो ये आ गया अपना आंसर कितना, 75,600। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए एक बार फटाक से, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या कह रहा था कि सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती, ये वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक ले लिया के ले लिया। वो कह रहा है कि इसका वजन अपन को क्या किया, उसने सोने को तोड़ दिया, किस अनुपात में, 3, 2 और 1 के अनुपात में तोड़ दिया। टोटल क्या है ये अपना, क्या है टोटल, तो टोटल क्या है 6 है। वो कह रहा है इसके प्राइस के क्या है, वर्ग के समानुपाती है, तो इसके वर्ग कर दिया हमने, क्या आ गया 9, 4, 1 और टोटल आ गया 36। अब इन दोनों का कर दिया तो लॉस कितने का हो गया, उसको लॉस हो गया 22 का और लॉस हमें दिया है कितना, दिया है 46,200 हमें लॉस दिया है। तो एक का मान हमने यहाँ से क्या किया, एक का मान निकाल लिया है, 2100 आ गया टोटल, पूछा है शुरुआती कीमत, 36 का मान निकाल लिया, कितना आ गया 75,600 क्या आ गया हमारा
आंसर आ गया। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आप लोग कीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या कह रहा है वो कि एक हीरा है जिसकी कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। एक व्यक्ति ने 1:2:3:4 के अनुपात में हीरे को तोड़ दिया और 70,000 रुपये का उसे नुकसान हुआ, हीरे की शुरुआती कीमत ज्ञात करना। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ सोना था यहाँ हीरा था, वहाँ दो संख्याएं थी यहाँ तीन थी, आप सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग इसे कीजिए, बिल्कुल सेम वही है, इसे आप लोग करें। क्या कह रहा है वो कि एक हीरे की कीमत जिसकी क्या कीमत यानी प्राइस जो है वो क्या है, उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हमने वजन समानुपाती हटाया, के नियतांक ले लिया, और इसका वजन क्या है, इसका वजन 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ दिया है, तो टोटल क्या हो गया हमारा, 3×3=6 और 4=10 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इसकी प्राइस मान लेंगे, के मान लेंगे यहाँ पे, तो क्या मान लेंगे, 1K, 2K, 3K और 4K बराबर 10K। अब कर देंगे क्या, वजन के वर्ग के समानुपाती है तो इनका वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, K² + 4K² + 9K² + 16K² बराबर क्या हो जाएगा, 100K² हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ देंगे, इसे हम जोड़ देंगे और लॉस निकाल लेंगे, कितना हो रहा है, 16 और 9 25 और 5 30 हो रहा है, यानी 30K² = 100K², तो ये के से के हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल, तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 70 का, और 70 का मान क्या है, 70,000 है, तो एक तो टोटल क्या पूछा है, टोटल पूछा है 100 का निकालना है, तो 100 का निकाल लेंगे, ये से ये कितने बार जाएगा, 1000 बार जाएगा, तो 1000×100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 100,000 आ जाएगा आंसर। तो हीरे की शुरुआती कीमत क्या थी, 100,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए अपना आ गया आंसर। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद अपन करेंगे क्या, मोमबत्ती वाले सवाल। कोई मोमबत्ती समांतर से जल रही है तो कितना समय लगेगा, कितने समय में वो जल जाएगी, उसकी लंबाई पूछेगा, तो इसके बाद अपन मोमबत्ती वाला क्वेश्चन करेंगे। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूल नहीं जाना है। चलिए तो अब मोमबत्ती वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए ये है हमारा मोमबत्ती पर क्वेश्चन। एक ही ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं। क्या कह रहा है कि एक ही ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं, पहली मोमबत्ती 7 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती हो तो जलाने के कितने समय बाद पहली व दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो ये आपको करना है, कितने का अनुपात हो जाएगा, 3:1 का रेशियो हो जाएगा। वो कह रहा है कि समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं, यानी हमारी जो ये मोमबत्तियां हैं वो समान ऊंचाई की हैं, यानी इनकी ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो पहली मोमबत्ती कह रहा है कि वो 7 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में जल जाती है, यानी पूरी तरह से जल जाती। यदि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती हो, यानी ये स्थिर दर से जलती हैं, तो एक व दूसरी मोमबत्ती का रेशियो क्या हो जाता है, यानी पहली और दूसरी मोमबत्ती का जो रेशियो चेंज हो जाता है वो 3:1 में हो जाता है, यानी रेशियो बदल कर क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, पहले ये था।
तो क्या करेंगे, पहले पहले तो हम इनकी दोनों की क्या मानेंगे, पहले इनकी निकालेंगे हम ऊंचाई की, कितनी ऊंचाई है, यानी दोनों मोमबत्तियों की क्या करेंगे, दोनों मोमबत्तियों की ज्ञात करेंगे अपन क्या, ऊंचाई। तो पहले यहाँ क्या ले लेते हैं, ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों का ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, यानी हमने ये 42 सेंटीमीटर ऊंचाई की मोमबत्ती है और ये भी 42 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक मोमबत्ती है। अब ये क्या कह रहा है कि समान दर से जलती हैं, यानी जो एक घंटे में पिघलती है मोमबत्ती, एक घंटे में ये कितनी पिघलती है, एक घंटे में 7 इंच यानी ये 6 सेंटीमीटर पिघलती है और ये एक घंटे में कितने 7 सेंटीमीटर पिघल जाती है। तो हमने समय मान लिया कितना, हमने टी मान लिया कि टी समय यानी टी घंटे में ये दोनों मोमबत्तियाँ पिघलती हैं। तो टी घंटे में कितनी पिघलेगी, ये पिघलेगी 60 और ये पिघलेगी कितनी 70, यानी पहली मोमबत्ती एक घंटे में कितनी जलेगी, एक घंटे में 60 जलेगी और दूसरे घंटे में कितनी जलेगी, टी घंटे में 70 जलेगी। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन टोटल में से इसे घटा देंगे, क्या करेंगे कि जो हम टोटल मानते हैं, यानी टोटल क्या है, टोटल ऊंचाई है हमारी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर में से 60 इसे कर देंगे माइनस और 42 सेंटीमीटर ऊपर है तो इसमें से क्या कर देंगे 70 माइनस कर देंगे, तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, 3:1 के अनुपात में क्या हो जाता है, हमारा रेशियो हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इनका कर देंगे त्रयक गुणा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कर देते हैं अपन, ये आ जाएगा अपना क्या 42 माइनस के 60 बराबर के, इसमें कर देंगे गुणा, तो 126 21 टी, ये क्या हो जाएगा हमारा 21 टी हो जाएगा। अब 21 टी इसको उस साइड ले जाएंगे या इसको इस साइड ले आएंगे, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा 15 टी और बराबर ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 84। यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे, टी का 15 में भाग देंगे, 15 5 75 बचा कितना, बचे 9, तो 9 में फिर 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। तो इसमें से क्या आ गया, ये 5 घंटे तो अपने आ गए पहले, और 3/5 यानी 3/5 को बदलेंगे मिनट में, तो 12 5 60 और 12 24 12 36, ये क्या आ गया 36 मिनट। तो आंसर क्या आ गया अपना, 5 घंटे 36 मिनट, ये आ गया हमारा आंसर। आप इसे नोट कीजिए, फिर इसे एक बार और देख लेते हैं, इसे एक बार और समझ लेते हैं अपन कैसे किया। पहले तो अपन ने मान ली मोमबत्ती की लंबाई, मान ली दोनों की, दोनों मोमबत्तियों की क्या है, पहली मोमबत्ती की जलती है 7 घंटे में और दूसरी जलती है 6 घंटे में, दोनों की हमने क्या मान ली, ऊंचाई मान ली। तो हमने क्या किया, ऊंचाई मानने के लिए दोनों का ले लिया क्या एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 42, तो हमने दोनों की ऊंचाई मान ली 42 42, और एक घंटा में जब 42 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक मोमबत्ती है तो वो एक घंटा में कितने जलेगी, जब 7 घंटे में पूरी जल जाती है तो 1 घंटे में तो निकाल ही सकते हैं अपन, 7 से भाग देंगे कितनी जलेगी 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अपन ने क्या किया, ऐसे ही अपन ने दूसरी निकाल ली। अब अपन को क्या निकालना है कि कितने घंटे में दोनों मोमबत्तियों का रेशियो इतना हो जाएगा, तो मान लिया टी घंटे में हो जाएगा, तो 1 घंटे में 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जलती है, तो टी घंटे में कितनी जलेगी, दोनों का गुणा हो जाएगा और 42 टोटल में से हम इसे घटा देंगे तो रेशियो हमारा ये आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो हमारा 5 घंटे 36 मिनट क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए इसी पर बेस्ट एक सेम क्वेश्चन आपको एक और करा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, एक ही ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं, पहली मोमबत्ती 3 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है, यदि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती हो तो जलाने के कितने समय बाद पहली व दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 48 मिनट, बी 36 मिनट, सी 60 मिनट और डी 1 घंटा 36 मिनट। चलिए आप लोग इसे कीजिए, बिल्कुल सेम उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक टाइप के दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं,
इसलिए कराए जा रहे हैं कि आप पहले तो ये टाइप देख लें, पहले टाइप का आप क्वेश्चन करेंगे, उसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में जल्दी से आ जाता है। चलिए तो इसे भी करते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो कि दो मोमबत्तियां हैं, मान लीजिए कि ये पहली मोमबत्ती है और ये दूसरी मोमबत्ती है, दोनों क्या हैं समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं, और पहली क्या, पहली 3 घंटे में जल जाती है और दूसरी क्या हो जाती है 1 घंटे में जल जाती है, और जब ये पूरी तरह से जल जाती हैं तो जलाने के कितने समय बाद, वो समय हमें ज्ञात करना है। इनका रेशियो क्या बचता है, ये बचती है 2 में और ये बचती है 1 में, इनका रेशियो ए आ जाता है। पहले ये इतने थी, फिर इनका रेशियो ये आ जाता है कितने समय बाद जलती हैं। तो क्या करना है, पहले अपन इनकी क्या मानेंगे, ऊंचाई, कि इनकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर की है और ये भी 3 सेंटीमीटर की है, दोनों का 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी पिघलती हैं दोनों, तो 1 घंटे में ये पिघलती है 1 सेंटीमीटर और ये 1 घंटे में पिघलती है कितनी, 3 सेंटीमीटर। पिघलेगी कि नहीं, अब इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो टी घंटे में कितनी पिघलेगी, तो टी घंटे में ये पिघलेगी क्या 1T और ये पिघलेगी क्या 3T। अब दोनों को क्या करते हैं, टोटल ऊंचाई में से जितना समय लग रहा है वो घटा देते हैं, तो रेशियो ये आ जाएगा, टोटल कितने समय बाद तो घटाएंगे ना, तो ये क्या 3 सेंटीमीटर से अपन को क्या घटाना है टी, और 3 सेंटीमीटर से 3T घटाना है, तो अपना रेशियो क्या आ जाता है, 2:1 का रेशियो आ जाता है। इसका कर देंगे दोनों का त्रयक गुणा, तो क्या आ जाएगा 3 - t = 6 - 6T आ जाएगा। तो इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस की क्या हो जाएगा 5T हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब t = 3/5, अब इसे बदल लेंगे अपन मिनट में, तो क्या करेंगे 60 का कर देंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा 12 + 36 = 12 / 36 क्या आ गया 36 मिनट बाद दोनों मोमबत्तियों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। चलिए इसे नोट कीजिए आप, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कीजिए, ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको एक बार तो जरूर लगाना है चाहे कुछ हो जाए, इन्हें आपको 1-2 बार जरूर लगाना है घर पे, चाहे कुछ भी हो लगाना ही लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो भूलने में देर नहीं लगेगी, फटाक से भूल जाओगे नहीं लगाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड मिसलेनियस का। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कीजिए, दिया है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम उम्र की हैं और लड़कियों की संख्या की 5/12 12 वर्ष से अधिक की हैं, तो 12 वर्ष से कम आयु वाले के छात्रों की संख्या यदि 448 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 निम्न में से किसके बराबर है। आइए पहले इसे अपन करते हैं सॉल्व, फिर आप लोग करिएगा इसे, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, पहले करते हैं इसे अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन इसे बनाएंगे, क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे टोटल, यानी टोटल लड़के कितने हैं, यहाँ पे आएंगे अपने टोटल बॉयज और यहाँ पे आएंगी क्या अपनी गर्ल्स, ये बॉयज हो गए ये गर्ल्स हो गए। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपन क्या, सबसे पहले 4 यानी 9 में से 4 क्या हैं लड़कियाँ हैं, 4 में से 9 लड़कियाँ हैं और 5 में से 3 क्या हैं 12 साल से कम उम्र के लड़के हैं और 12 में क्या है। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल, तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो 4/9 में से 9 ले लेंगे और 3/5 में से 5 और 5/12 में से 12 लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे 12 × 5 = 60 और 9 × 6 = 54, तो 540 हम क्या कर ले लेंगे टोटल कर लेंगे,
यानी ये क्या आ गया अपना 540 आ गया टोटल, 540 क्या आ गया अपना टोटल आ गया है 540। क्या अपने टोटल छात्र आ गए। अब वो कह रहा है कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 क्या है लड़कियां हैं, यानी जो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 540 हैं, तो 540 का 4/9 क्या है लड़कियां हैं, तो 9 × 56 और 6 × 24 यानी 240 क्या हैं, 240 अपनी टोटल गर्ल्स हैं, यानी 240 क्या हैं लड़कियां हैं। तो बॉयस कितने बचे, बॉयस बचे 300, हो गया ना 540, बॉयस कितने बचे थे अपने 300। ये क्या थी, ये गर्ल्स थी, ये क्या था अपना, ये टोटल था, इसे लिखना पड़ेगा आपको, बाद में भूल जाते हैं तो इसे लिख लेना। अब वो कह रहा है कि कुल संख्या यानी लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम उम्र की है, यानी क्या करेंगे यहाँ कर देंगे 12 वर्ष से कम उम्र की, ये 12 वर्ष से क्या है, ये 12 वर्ष से कम की हैं, ये 12 वर्ष से अधिक की हैं। नीचे का साइन लगता है तो कम हो जाता है, ऊपर का साइन लगता है तो अधिक हो जाता है, और ये हमारे क्या हैं टोटल हैं। तो क्या कह रहा है कि वो जो लड़के हैं यानी लड़कों की कुल संख्या का, यानी लड़के कितने हैं कुल, लड़के 300 हैं, तो बॉयज़ की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम की हैं, तो इसमें दे देंगे 6 × 6 = 18, तो 12 वर्ष से कम के 18 यानी 180 बॉयज़ आ गए जी अपने, क्या आ गए 180 बॉयज़ आ गए 12 से कम के हैं, तो 180 टोटल 300 है, 300 में से 180 घटा देंगे क्या आ जाएगा 120 अपने 12 वर्ष से अधिक के आ गए। और वो कह रहा है कि और लड़कियों की कुल संख्या का, लड़के कितने हैं अब गर्ल्स की, जो गर्ल्स की कुल संख्या कितनी है 240 है, उसका कितने हैं वो 5/12 हैं, 12 × 24 2 × 5 = 10 यानी 100, तो 100 क्या है 12 वर्ष या उससे अधिक की हैं, तो 100 ये हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 12 वर्ष से कम की 140। इसे आपको बिल्कुल आराम से समझना है, बिल्कुल क्या बचेगा 240 बचेगा। वो कह रहा था क्या कि 240 टोटल क्या है गर्ल हैं, तो 240 का 5/12 क्या है 12 वर्ष या उससे अधिक की हैं, 12 वर्ष या उससे अधिक की हैं, तो 12 × 24 5 × 10 क्या आ गया, तो 100 आ गए अपने 12 वर्ष से अधिक के आ गए, तो कितने बचेंगे 240 में से घटा देंगे 140 बचे हैं। अब वो कह रहा है कि छात्रों की, यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, यानी जो 12 वर्ष से कम आयु के छात्र हैं, 12 वर्ष से कितने हैं 180 और 140 जोड़ देंगे कितना आएगा 0, 2 और 320, 12 वर्ष से कम के कितने आ गए अपने 320 आ गए, तो 320 का मान दिया है उसने, 320 का मान क्या दिया है, 320 का मान दिया है उसने कितना है 480 है, 480 है। और वो क्या पूछ रहा है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 छात्रों में, स्कूल में जो छात्र टोटल छात्र हैं उसका क्या कह रहा है वो कि 5/18 यानी जो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का, तो छात्र कुल की संख्या कितनी थी अपनी 540 का 5/18 निकाल लेंगे, 18 × 18 = 36, 18 × 3 = 54 और 5 × 3 = 15 कितना आ गया 150। तो 150 का हमें मान निकालना है कितने के बराबर है, बिंदी से बिंदी काट देंगे, तो 48 × 150/32 16 × 32 और 16 × 3 = 48 दो से दे देंगे कितने बार जाएगा 75 × 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15 हासिला 1 7 × 21 = 22 कितने के बराबर है 225 के बराबर है। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्या आ गया हमारा आंसर, और यही क्या करना था, यही हमें करना था ज्ञात, तो वो आपका आ गया आंसर।
चलिए कैसे किया वो अपन एक बार देख लेते हैं इसे कैसे किया। फिर सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपको करना है। पहले क्या कहते, पहले अपन ने टोटल निकाल लिया। टोटल कैसे निकाला, चार बटे पाँच में से नौ लिया, यानी क्या किया अपन ने, चार बटे पाँच में से नौ लिया, चार लिया और बारह टोटल का कर दिया गुणा, तो कितना आ गया 540 आ गया। अब वो कह रहा था कि 540 का जो तीन बटे, 540 का चार बटे नौ भाग, अब 540 का चार बटे नौ भाग निकाला, 540 का चार बटे नौ भाग निकाला तो कितना आ गया 240 क्या है अपनी लड़कियां, ये 240 लड़कियां आ गई। और टोटल क्या है 500 में से अगर 240 घटा देंगे 300 अपने आ गए। अब वो कह रहा है कि 12 वर्ष और लड़कों की संख्या का 2/3 12 वर्ष से कम है, तो लड़कों की संख्या क्या थी, लड़कों की संख्या थी अपनी क्या 300, और 300 का 5/12 किया, 12 3/12 किया अपन ने, 300 का 3/5 किया तो 6 बार जाएगा, 6 × 3 = 18, तो 180 क्या है अपने लड़के, जो कि कौन कितने हैं 12 वर्ष से कम उम्र के हैं 180 लड़के, तो 12 वर्ष से कम उम्र की हैं, तो 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र की कितने होंगे 120, क्योंकि टोटल 300 हैं। ऐसे ही हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, टोटल वैल्यू 332 का मान दिया था 448, तो 150 का मान अपन ने निकालना था, तो कितना आ गया 225 किया गया हमारा आंसर। इसी पर बेस्ड ये कैट में आया है दोस्तों, सवाल कैट में आया है, हल्के में मत लेना गुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको, चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कीजिए। दो ड्रम हैं जिसमें ए और बी पेंट का मिश्रण है, ड्रम एक में ए और बी का अनुपात 18:17 है, और ड्रम ए व ड्रम दो से मिश्रण को 3:4 के अनुपात में अंतिम मिश्रण में मिलाया जाता है, ए और बी 13:7 के अनुपात में हैं, तो ड्रम दो में ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इसे करते हैं, आप लोग भी इसे कर रहे हैं वैसे ही है सेम जैसे वो किया था। क्या कह रहा है कि ड्रम, पहले तो हम लेते हैं टोटल, टोटल कैसे लेते हैं, जो अपनी बटे में संख्या आती है उसको लेते हैं, जैसे वहाँ पे 18/7 दिया है, 18/7 दिया है तो 18 में 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 3:4 दिया है, यानी 3 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, यहाँ पे रेशियो दिया है 13:7, यानी 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो यहाँ क्या कह रहा है वो कि 25 में से 18 भाग, यानी 25 क्या है टोटल भाग है, और 18 क्या है जो ड्रम ए का भाग है वो 18, यानी अपन को क्या करना है टोटल भाग लेना है, तो टोटल हमेशा नीचे वाला होता है, तो टोटल भाग ले लेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल ऐसे निकालेंगे कि 25 × 7 × 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना टोटल आ जाएगा, तो 20 × 25 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 × 50 यानी आ जाएगा 500, 500 में गुणा 7 का कर देंगे तो 57 = 35, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा 3500 टोटल जो अपना है टोटल मिश्रण है, यानी मान लीजिए आपकी टोटल 3500 मिश्रण है अपना। अब यहाँ वैसे ही अपन एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा ड्रम एक आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ड्रम नंबर दो, ये बना लिया तो टोटल अपना कितना आ गया, टोटल अपन ने आ गया, टोटल आ गया अपना 3500 क्या आ गया अपना टोटल। अब वो कह रहा है कि 3500 का 3/7 निकालेंगे ना अपन, 3500 का 3/7 यानी 3 है और 4 है, जैसे 3 और 4 का रेशियो दिया रहता है तो 3 निकालना है अपन को, तो कैसे निकालेंगे टोटल में से ही तो 3 निकालेंगे, तो 3500 का इसे टोटल आ गया अपना। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 3500 का, 3500 का क्या कह रहा है 3/7 निकालो, तो 3/7 57 = 35, 5 × 3 = 15, तो ये 1500 भाग कौन सा आ गया हमारा 1500 ड्रम ए, ड्रम ए में क्या अनुपात दिया था उसने 1500, तो क्या आ गया अपना ये आ गया 1500, तो 1500 ड्रम एक में आ गया।
अब जब टोटल का 1501 में आ गया तो ड्रम दो में कितना बचा होगा, ड्रम दो में क्या बचा होगा अपना 2000, क्योंकि टोटल क्या है 3500 है। अब वो कह रहा है कि 1500 का 18/25 यानी ड्रम एक में ए और बी का अनुपात 18/25 है, तो ड्रम एक का ये टोटल ए है, तो ड्रम एक का टोटल क्या है 18/ और टोटल क्या मान दिया अपन 25, तो इसे अपन काट देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना, इससे इसे काट देंगे और 18 का गुणा कर देंगे तो 1080 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि 1080 ड्रम ए है, यानी 1080 क्या है इसमें, ये आ गया अपना ए, यानी ड्रम ए में 1080 है, ड्रम ए में 1080 है और टोटल क्या है 1080, टोटल क्या है इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपना ये नीचे वाला, तो बी में आ जाएगा 420, ए में जब इतना है तो बी में कितना आ जाएगा 420, ये 420 आ जाएगा अपना, ये अपना टोटल था, ये ए और बी था। अब वो कह रहा है कि 3500 का 13/7 जो कि ड्रम ए बी के अंतिम मिश्रण में मिलाया जाता है, क्या कह रहा है वो कि 3500 का 13/7 यानी 13/7 यानी टोटल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 20, इसमें से इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 2275, तो 2275 क्या है अपना ए है, ये कितना है 2275, ये अपना ए आ गया। जब ए 2275 है तो इसमें से ए में से घटा देंगे तो ड्रम टू में ए अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसमें से घटा देंगे 5, यानी 5 गए, ये 5 बचा, 7 में से 8 गए तो कितना बचा 9 बचा, एक हाथ से लाई एक चला गया, एक बचा, दो में से एक गया तो एक बचा, तो 1195 जो ए का भाग है वो कौन से में है, ड्रम नंबर दो में है। अब वो कह रहा है जब ड्रम नंबर दो में है और टोटल कितना है अपना, टोटल 2000 है, 2000 में से 1195 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 805, ये आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल में से आ जाएगा कितना आ जाएगा 5, 2 और 8, 4, 12 यानी 1225 हमारा ए आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि ड्रम ए, ड्रम दो में ए और बी का अनुपात बताइए, यानी ड्रम दो में ए और बी का अनुपात बताना है, तो ड्रम कौन से में बताना है, दो में बताना है, ए और बी का अनुपात बताना है, ए का मान क्या है 1195 है और बी का मान क्या है 805 है। अब इसे हम काट लेंगे, कितने से काटेंगे, पहले इसे 5 से काट लो, 5 से इसे और इसे, 5 से इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 239 और नीचे वाले को काटेंगे तो 161 और ये क्या आ गया हमारा रेशियो आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया ड्रम नंबर दो में, कितना आ गया 239 और 161, ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका। चलिए बहुत बढ़िया सवाल था, पहले अपन को टोटल मानना पड़ता है, तो क्या करते हैं जो संख्या बटे में आती है तो टोटल उनका कर देते हैं गुणा। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, चलिए इसी पर बेस्ड एक को लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपका मिसलेनियस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात समानुपात का जो है वो आपका ये पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म, अब अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन देख चलिए इसे कीजिए आप लोग। राजू और ललिता के पास रखे मार्बल का अनुपात 4:9 है, तब ललिता ने अपने कुछ मार्बल राजू को दे दिए, परिणाम स्वरूप राजू और ललिता के पास रखे मार्बल का अनुपात 5:6 हो गया,
तो ललिता द्वारा कितने भाग मार्बल राजू को दिया गया था, इसे आप लोगों को ज्ञात करना है। ये हमारा मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को करना है। आप लोग कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया भी है, तो आप इसे करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों में और सभी में आपको हर जगह ये वीडियो शेयर करनी है, सभी जगह पे शेयर कर रही हैं, जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी है सब में शेयर करना है। इसके बाद अपन अगला चैप्टर लेके आएंगे, इसी धांसू तरीके से उसे भी करेंगे, जैसे अपन ने ये वाला किया है वैसे वो करेंगे। चलिए देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि राजू और ललिता कौन है, राजू हैं और ललिता हैं के पास मार्बल का अनुपात, पहले कौन कितना था अनुपात, 4:9 था। अब क्या कह रहा है कि ललिता ने अपने कुछ मार्बल राजू को दे दिए, यानी क्या किया, ललिता ने कुछ मार्बल किसको दे दिए, राजू को दे दिए, जिससे परिणाम उसका क्या हुआ कि राजू और ललिता के पास रखे मार्बल का अनुपात 5:6 हो गया। किसने दिए हैं, ललिता ने दिए हैं, जब ललिता ने दिए हैं तो क्या कौन सी संख्या चेंज होगी अपनी, ये वाली चेंज होगी। टोटल कितना है, 9 × 4 = 13, यहाँ पे टोटल कितना है, 11। लेकिन जब हम मार्बलों को इकट्ठा करते हैं तो क्या करते हैं, मिलाते हैं, किस अनुपात में, दोनों को एक एक के अनुपात में मिलाते हैं, तो ऊपर 11 का गुणा और नीचे 13 का गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा, ऊपर 11 × 4 = 44, 11 × 99 और 13 × 65 और 13 × 6 = 78। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तो ललिता द्वारा कितने भाग मार्बल राजू को दिया गया, कितने भाग मार्बल राजू को दिया गया, तो कितने भाग मार्बल राजू को दिया गया, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है आपका, कितना आ गया, तो वो कह रहा है कितने भाग, इसमें से इसे घटा देंगे, क्या करेंगे कि 99 में से 78 घटा देंगे, कितना बचा, 21। 21 भाग मार्बल दिया किसमें से, टोटल 99 में से 21 भाग मार्बल किसमें से दिया, टोटल 99 में से ललिता ने राजू को दिया, तो उनका रेशियो हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे अपन काट देंगे, 3 से 30 = 7 और 3 से ये बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/33, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। क्या कहा उसने कि राजू और ललिता के पास जो मार्बल था वो 4:9 के अनुपात में पहले था और ललिता ने कुछ भाग मार्बल राजू को दे दिया, यानी जो ललिता है इसने कुछ मार्बल किसको दे दिया, राजू को दे दिया, तो परिणाम स्वरूप उसका क्या हुआ, ललिता और राजू के पास जो मार्बल रखा था उसका अनुपात बदल गया, बदल के कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो जब 5:6 हो गया, दोनों के अपन अनुपात राजू और ललिता का जो मिलाएंगे रेशियो, नया रेशियो आएगा, वो कौन सा रेशियो कितने भाग में आएगा, तो 11 का ऊपर कर देंगे और 13 का नीचे कर देंगे, क्योंकि दोनों जब किसी भी चीज़ में मिलाई जाती है तो समान समान चीज़ मिलाई जाती है, तभी तो रेशियो आएगा अपना। तो क्या किया, ऊपर 11 का कर दिया और नीचे 13 का कर दिया, और कितने भाग दिया है, तो राजू ने इसमें से घटा दिया, तो क्या आ गया अपना, 21 आ गया, और टोटल कितने में से, 99 में से, बस 21/99 को 3 से काट दिया, तो 7/33 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। और ये होता है आपका मिसलेनियस, आज होता है आपका चैप्टर पूरा। अब जब अगला चैप्टर तभी शुरू होगा जब अपनी लाइव क्लास होगी, तभी आपका चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, तो बने रहिए दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। जय हिंद, जय भारत।